हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में कि इस तरीके की एक फेलोशिप आने वाली है। तो दोस्तों अब ये फेलोशिप शुरू हो चुकी है, यानी कि 10 अगस्त से 24 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आप वेबसाइट से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इस फेलोशिप में आप cmfellowship.upsdc.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर शो की गई है। और इस फेलोशिप में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 40 साल है। इसके अलावा आपको जो अलग अलग गांव और शहर में पंचायत ब्लॉक होते हैं वहां पर किस तरह से सारी स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम आपको दिया जाएगा। इसका आपको भत्ता भी दिया जाएगा और जो पारिश्रमिक है वो आपको पर मंथ 40,000 रुपये मिलेगा और टेबलेट जो है उसको बाय करने के लिए आपको 15,000 भी दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो करीब 40,000 पर मंथ की होगी और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही इस वेबसाइट से। इसकी गाइडलाइन आपको नीचे मिल जाएगी यहां पर और इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी दोस्तों। तो यहां इंग्लिश और हिंदी दोनों में गाइडलाइन दी हुई है। जैसे यह एक फुल टाइम फेलोशिप प्रोग्राम होगा, इसके अलावा मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यूजी पीजी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके 60% मिनिमम मार्क्स हो। इसके अलावा आपको हिंदी बोलना और लिखना अच्छे से आना चाहिए और आप रिसर्च में रुचि रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप अजय क्रिएशन पर काफी सारे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आपको डेटा का एनालिसिस भी करते आना चाहिए, फील्ड वर्क करते आना चाहिए। यहाँ पर मेंशन है कि आप अंतिम तिथि से पहले ही अप्लाई कर दें, यानी कि 24 अगस्त के पहले ही अप्लाई कर दें, नहीं तो सर्वर की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आप अगर विकलांग कैटेगरी से तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा जो लेस देन 50 KB होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करना होंगे 30 KB से नीचे। इसके साथ ही आपको 10th 12th ग्रेजुएट मार्कशीट भी अप्लाई करना है। अगर आप पीजी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी, अगर पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी तक आपको मार्कशीट अप्लाई करना पड़ेंगे। और इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां पर दी हुई है और आप फॉर्म भरने के लिए यहां पर आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अगर इस तरह का एरर आए तो आप बैक कर दीजिएगा या फिर रीलोड कर दीजिएगा तो वापस आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको पर्सनल डिटेल देना है, जैसे सबसे पहले आपको नेम देना है जो कैपिटल लेटर में होगा, जेंडर यहां से सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आप टाइप कर सकते हैं या फिर यहां से आप कैलेंडर से चूज कर सकते हैं, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद आप डेट पिक कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडियन यहां पर सिलेक्ट करना होगा, अपने फादर का नाम लिखना है, मदर नेम लिखना है, हाईएस्ट लेवल आप क्वालिफिकेशन आपको यहां से चूज करना है, ग्रेजुएट लेवल, पीजी लेवल या पीएचडी लेवल, तीनों में से किसी एक लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है यहां पर दोस्तों, हाउस नंबर, देन स्ट्रीट सिलेक्ट करना है, लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट, सिटी सब कुछ देना होगा। जहां पर भी स्टार मार्क है वो देना जरूरी है, जहां स्टार मार्क नहीं है जैसे लैंडमार्क में नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन से मैच करता है तो यहां सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर पिक कर सकते हैं, नहीं तो इस बॉक्स पर पिक नहीं करना है और सारी डिटेल फिर से दोबारा देना है जहां पर अभी आप परमानेंटली रहते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं अगर आपके पास है तो। आइडेंटिटी कार्ड में आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से एक को चूज करेंगे और उसका जो नंबर होगा, कार्ड नंबर होगा, उसको यहां पर मेंशन करना होगा। ईमेल आईडी देना है और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो यस करना है और उसका डॉक्यूमेंट आपको यहां पर देना होगा, चूज फाइल करके आपको अपलोड करना होगा। आप अपलोड कर सकते हैं और नहीं है तो आप नो कर देंगे तो आपको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है जो 50 KB का हो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो 23 KB का हो। ये ध्यान रखिए, आप साइज आप नहीं देखेंगे तो फिर अपलोड नहीं होगा, प्रॉब्लम जाएगी। तो चूज फाइल पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर इमेजेस हैं, आप उसको पिक करके अपलोड कर दीजिएगा तो इमेजेस यहां पर अपलोड हो जाएंगी एंड फाइनली आप सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में, जिसकी लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 24 अगस्त 2022 है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो भी डिटेल, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से होगा, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाया करेगी। तो आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा, हो सकता है वहां पर आपको लॉगिन के क्रेडेंशियल यानी कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल जाए, जिससे कैप्चा को पुट करने के बाद आप
यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं। वैसे सारी डिटेल आपको अपने ईमेल आईडी पर मिल जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस प्रोग्राम में ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे आपको करियर में कुछ एडवांसमेंट मिलेगा, आपको रिसर्च सीखने मिलेगा, और साथ में यहाँ पर मेंशन भी है कि आपको गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा और रिसर्च का मौका भी मिलेगा। तो एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।